हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे आप सब लोग, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है मेरे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने ये 150 वाट के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को टेस्ट करने वाले हैं 10 इंच के स्पीकर के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं साइड में मैंने इसके साथ कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ये जो है फ्रेंड्स 30-30-10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है और इसमें जो है 12-12 भी है सप्लाई, तो 12-12 अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपना प्री एम्प बोर्ड है इसके साथ अपन यूज़ करेंगे 12-12, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है अपने को इनपुट में 12-12। वायर को मैंने अच्छे से बांध दिया है ताकि वीडियो में अच्छे से आप लोगों को वायरिंग सब दिख जाए। तो 30-30 का जो वायर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ऊपर से निकला है, ये अपने यहाँ पे बोर्ड के साथ कनेक्ट है। इसमें जो है 24-24 से 35-35 का ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 30-30 लगाया है तो हम इसको चला सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसके स्पीकर के दो वायर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने अपने 10 इंच के डेक के साथ कनेक्ट किया है, तो इसको मैं अभी पीछे कर देता हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो 12-12 का जो अपना वायर है इसको मैं यहाँ पे प्री एम्प बोर्ड के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना प्री एम्प का पावर सप्लाई तो हो गया, अब इसमें और भी वायरिंग है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अपन यूज़ करेंगे ये अपना इनपुट आउटपुट वायर। तो ये जो है 4 पिन वाला ये अपना जाएगा प्री एम्प में और ये 2-2 पिन करके ये जाएगा अपने एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर अपने पास और 2 पोर्ट्स बचते हैं, तो इनका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है आप अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट के लिए सप्लाई मिल जाएगा और यहाँ पे ऑडियो इनपुट है जो कि आप अपने मोबाइल या ब्लूटूथ मॉड्यूल से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये वाला केबल, आप लोग देख सकते हैं ये जो है अपने पास ऑक्स केबल है जिसको मैंने ये 3 पिन कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया है, जिससे कि अपन इसमें इनपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना बोर्ड प्री एम्प के साथ पूरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी अपना चलने के लिए रेडी है और बस एक आखिरी काम अपने पास बचता है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक 12 वोल्ट वाला डीसी फैन लगा देंगे, उसके साथ ये अपना एक चार्जर है। ठीक है, ये 5 वोल्ट वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कम स्पीड भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग जो है 12 वोल्ट ही यूज़ कीजिएगा अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रन कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना काम हो गया और ये ट्रांसफार्मर के पीछे का वायर को जो है मैं एसी में अभी कनेक्ट कर दूंगा। पूरा कनेक्शन वगैरह समझा दिया, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। ये हम इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा इस एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ये स्पीकर का जब अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि इसका प्राइस कम है तो क्वालिटी कम है। उस हिसाब से फ्रेंड्स जब मैंने इस बोर्ड के साथ टेस्ट किया उसको उस एम्पलीफायर के साथ, तो मेरे को इसका क्वालिटी अच्छा लगा, मतलब उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने इसको अनबॉक्सिंग के वीडियो में बताया था। इस स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं, एम्पलीफायर की नहीं। एम्पलीफायर तो अपना काफ़ी अच्छा है, इसका बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका साउंड का और 30-30 आसानी से इसमें चल जा रहा है। हीटिंग में आप लोगों को बता दूँ तो फ़ैन लगाया था हम लोगों ने तो कुछ खास हीटिंग नहीं है, एकदम हल्का सा वार्म हुआ है बस। और ये जो है फ्रेंड्स हीटिंग करेगा एम्पलीफायर क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है अपना ट्रांसफार्मर, जब आप लोग इसको फुल साउंड में चलाएंगे देर तक तो वो हीट होगा। तो आप लोगों को जो है फ़ैन एक यूज़ करना रिकमेंडेड रहेगा, आप लोग इसके साथ ज़रूर फ़ैन यूज़ कीजिए। और ट्रांसफार्मर तो अपना बिल्कुल एकदम अभी कूल है, लेकिन हो सकता है हल्का फुल्का घंटों यूज़ करने के बाद ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठीक है, और प्री एम्प भी अपना काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, ये अपना ट्रेबल वगैरह एकदम अच्छे से मेनटेन कर रहा था जैसे भी अपन कंट्रोल कर रहे थे।
वायरिंग एकदम काफ़ी आसान है ये दोनों को एक साथ अगर आप परचेस करेंगे तो। और फ्रेंड्स ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसका डिटेल जो है अनबॉक्सिंग वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जिससे मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा कहाँ से इसको परचेस करना है कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा ट्रांसफार्मर है, रियल कॉपर का है ये, ठीक है। तो इसका डिटेल मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फ्रेंड्स होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस बोर्ड का आप लोगों को साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका जो है एक्सपेक्टेशन जो मेरे को था बोर्ड से और स्पीकर से, उससे ये कई ज़्यादा आगे है। इनका जो आवाज़ है बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है और बेस एकदम तगड़ा है। इनमें बोर्ड है अपना काफ़ी अच्छे से बेस को मेंटेन करता है और इसमें काफ़ी क्लियर बेस आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। हम ऐसी एम्पलीफायर स्पीकर से रिलेटेड वीडियो से लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।